Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हाल फिलहाल में ही बजट पेश होता है। इस बजट की जहां बीजेपी के तमाम नेता और सहयोगी दल तारीफ करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से निशाने पर ले लेता है। और उन्हीं विपक्षियों में से एक है बीएसपी प्रमुख मायावती। मायावती ने बजट वाले दिन भी इस बजट पर निशाना साधा था, लेकिन दिन बीतते गए और लोगों को लगा कि अब मायावती इस मुद्दे पर क्यों बोलेंगी। लेकिन मायावती आज फिर से बोली और ऐसा बोली कि सब लोग सकते में आ गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि सौतेला व्यवहार किया गया और बीएसपी ने यूपी में क्या झेला, इस बात को भी उन्होंने बताया। दरअसल शुक्रवार की सुबह सुबह ही मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एनडीए सरकार द्वारा संसद में पेश बजट में भी देश व आम जनहित से अधिक राजनीतिक स्वार्थ के तहत विभिन्न राज्यों के बीच भेदभाव, पक्षपात व असंतुलन बढ़ाने के विरुद्ध आक्रोश व विरोध स्वाभाविक। हालांकि केंद्र द्वारा ऐसे सौतेले व्यवहार आज की कोई नई बात नहीं, बीएसपी ने भी यूपी में इसे झेला है। वही मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने फिर से एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने अपनी बात पूरी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दूसरा पोस्ट करते हुए मायावती ने लिखा कि केंद्रीय बजट से दुखी पीड़ित गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है, जबकि यूपी जैसी विशाल आबादी वाले गरीब व पिछड़े राज्य पर बजट में समुचित ध्यान नहीं देना भी कितना उचित। केंद्र द्वारा देश व जनहित को सर्वोपरि रखना बहुत जरूरी। आपको बता दें कि यूपी को बजट में ज्यादा कुछ खास न मिलने को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। वही बजट के बारे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि साल 2020 में सरकार ने न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो कि ज्यादातर आयकर दाताओं को पसंद नहीं आया था। फिर उसी में पिछले साल बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया। साथ ही 7 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देने का ऐलान किया गया। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। फिलहाल मायावती के इस पोस्ट पर बीएसपी के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप पर और बजट को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।